हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकाज किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन मसाला। ये बैंगन मसाला बनाना बहुत ही इजी है और जल्दी से भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं बैंगन मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बैंगन मसाला बनाने के लिए इधर मैंने 4 बैंगन लिया है, मूँगफली आधा कप मूँगफली को भून के लिया है, नारियल का बुरादा 1 चम्मच, मैंने नारियल का बुरादा लिया है, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हो, अदरक और लहसुन की पेस्ट, कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी हल्दी, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच तिल, तिल को मैंने भून के लिया है, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने एवरेस्ट की लाल मिर्च पाउडर ली है, ये लाल मिर्च पाउडर तीखी भी है और लाल भी है, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, टेस्ट के लिए नमक और हमें चाहिए तेल। तो चलिए बैंगन मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली और तिल को मिक्सर में पीसेंगे। मिक्सर की जार में मैंने मूंगफली और तिल डाला है, इन दोनों को हम मिक्सर में पीसेंगे। देखो इसी तरह से मूंगफली और तिल को मैंने पीस के लिया है और ये बैंगन अभी तक मैंने कट नहीं किया। मसाला भूनने के बाद हम बैंगन को कट करके भुना हुआ मसाला हम बैंगन में भरेंगे। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। तेल गरम होने लगा इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा डालने के बाद ये अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं। अदरक और लहसुन की पेस्ट को मिलाते हैं और गैस की आग धीमी करना है, नहीं तो अदरक लहसुन जल जाएगा। धीमी गैस पे इसे 1 मिनट भूनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल का बुरादा। मैंने नारियल का बुरादा लिया है, अपने फ्रेश नारियल लिया है, नहीं तो ड्राई कोकोनट लिया है, तो आप मूँगफली के साथ पीस सकते हो। तो चलिए इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देते हैं। हल्दी डाल देते हैं थोड़ी, धनिया और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके भुनेंगे। ध्यान रखें इसी टाइम गैस की आग बिल्कुल ही धीमी होना चाहिए, धीमी रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली और तिल की पाउडर, मिलाते हैं इन सारी चीज़ों को। मसाले जलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा बैंगन मसाला अच्छा नहीं बन पाएगा। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा नमक, जस्ट थोड़ा नमक डालेंगे, बाद में हम फिर से नमक डालने वाले हैं। इसमें पानी डाल देते हैं 2 चम्मच, ताकि मसाले अच्छी तरह से भून सके और इन मसालों से तेल अलग होने तक हमें भूनना है। ध्यान रखें लो टू मीडियम हीट पर ही भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और कंटिन्यूस चलाते रहना है। तो चलिए इन मसालों से तेल अलग होने तक भूनते हैं। देखो अभी तक मैंने बैंगन नहीं कट किया, ये मसाला अभी भून के तैयार है। देखो इसमें से तेल अलग होने लगा है। मैंने गैस बंद किया है, अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक के लिए बैंगन को कट करेंगे। देखो बैंगन को इसी तरह से हम कट करेंगे, बीच में से बैंगन अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। चलो इन सारे बैंगन को कट करेंगे। इसी तरह से ये सारे बैंगन कट करके तैयार है। चलो अब हम इन बैंगन में मसाला भरेंगे। एक चम्मच की मदद से हम बैंगन में मसाला भरेंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से मसाला बनके तैयार है। चम्मच लेके देखो इसी तरह से बैंगन में ये मसाला भरेंगे। देखो जब आप इसी तरह से बैंगन मसाला बनाओगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा, और इसी तरह से मसाला बना के बैंगन में भरोगे तो बैंगन पकने के बाद भी ये मसाला बाहर नहीं आता। चलिए सारे बैंगन में मसाला भरते हैं। इसी तरह से ये सारे बैंगन में मसाला भर के
तैयार है। मैंने गैस ऑन किया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के अनुसार पानी। बैंगन पकाने में जितना पानी लगेगा उतना पानी हम डालेंगे। लगभग मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है। आपको करी जैसी चाहिए, पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे। तो चलिए इसे उबाल आने देते हैं। तब तक के लिए बैंगन में जो मसाला भरा है वो अच्छी तरह से जज हो जाएगा। इसे उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा टेस्ट के लिए नमक डाल देते हैं। ध्यान रखें थोड़ा ही डालिए क्योंकि हमने पहले से ही नमक डाला है। मिलाते हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे ये भरा हुआ बैंगन। करी में बैंगन को मिक्स करेंगे और पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट बैंगन को पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में ये बैंगन अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा और बीच बीच में चलाते रहना है। देखो इसी तरह से बैंगन मसाला बन के तैयार है। मिक्स करते हैं थोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को बैंगन में मिक्स करेंगे। मैंने अभी गैस की आग बढ़ाई है और इसी तरह से बैंगन को और एक मिनट पकाएंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा तेल अलग हो सके। वाह, देखो इसी तरह से ये बैंगन मसाला बनके तैयार है। बैंगन मसाला को एक सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से ये बैंगन मसाला बन गया है। लीजिए इसी तरह से गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल बैंगन मसाला बनके तैयार है। चलिए आप भी इसी तरह से बैंगन मसाला बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगा। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन से, डाउट्स से, सजेशन से तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।